దేశాన్ని కొత్త పంతాల్లో నడిపించేందుకు అడుగు ముందుకు పడిందన్నారు సీఎం కేసీఆర్. జార్ఖండ్ ముఖ్యమంత్రి హేమంత్ సోరెన్ తో భేటీ అయిన తర్వాత మీడియాతో మాట్లాడారు. తెలంగాణ ఉద్యమ సమయం నుంచి సిపు సోరెన్ తో మంచి అనుబంధం ఉందని గుర్తు చేశారు. దేశానికి కొత్త దిశా నిర్దేశం కావాలని సీఎం కేసీఆర్ ఆకాంక్షించారు. గాల్వాన్ వ్యాలీ మే జో సైనిక హమారే మారే గయే థే ఉస్ సమయ కుల్ మిలాకర్ కే 20 సైనిక మారే గయే థే. उसके नेतृत्व कर रहे थे हमारे कर्नल संतोष कौर, वो तेलंगाना राज से था. तो उस समय में हमने उनका वहाँ मदद की है उनके फैमिली के लिए. तो उसी से हम समय में घोषणा किए थे कि तेलंगाना राज के ओर से उनके साथ जिन सैनिकों का मृत्यु हुई है उनके लिए 10-10 लाख रुपये तो उनके फैमिली के सम्मान में देना चाह रहे हैं. तो ऐसे 6-7 राज्यों में, पंजाब में भी थे, दूसरी जगह भी थे, वहाँ चुनाव हो रहा था, चुनाव कोड भी है. तो मैंने हमारे भाई हेमंत जी से जब संपर्क किया तो उन्होंने आमंत्रण दिया कि आप आदेश दे दीजिए उनको. वैसे मुझे वो एक उनको दे देना था, उन्होंने तक पहुँचाना था, जो भी सहायता करना चाह रहे. उससे बड़ी बात तेलंगाना राज्य हासिल करने का जो आंदोलन हमने 2001 में शुरू किया था, हमारे पहले चीफ गेस्ट था श्री सिबु सोरेन जी, उन्होंने उस समय आके तेलंगाना जनता को काफ़ी हिम्मत दी है और सारे आंदोलन में तेलंगाना राज्य बने तक हमारे साथ बने रहे. हर लिहाज में जब हम उस समय के सरकार से बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री से बात कर रहे थे, वो तेलंगाना की तरफ से लड़ रहे थे. तो उनको भी मुझे मिलना था, काफ़ी दिनों उनके आशीर्वाद देना था. मुझे बहुत खुशी हुई मुख्यमंत्री जी ने मुझे उनका भी दर्शन प्राप्त करवाया, उनका आशीर्वाद ले लिया मैंने और वो भी खुश थे कि तेलंगाना राज्य बना और अच्छा तरक्की कर रहा है. तो वो भी बहुत खुश थे. ये भी बातें हुई, ये दोनों भी अच्छे सफल बातें हुई. अब जहाँ तक राजनीति की चर्चा है उसका भी चर्चा हुई, काफ़ी बातें हो रही हैं देश भर में नेता लोगों से, कई लोग जब भी मिलते हैं तो बात कर रहे हैं. एक ही बात मैं ये कहना चाहूँगा कि 75 साल की आज़ादी के बाद जिसको जिस धर्म का डेवलपमेंट का हासिल होना चाहिए था वो नहीं हो पाए और कई चीज़ों में हम पिछड़े रह गए दुनिया के तुलना में. देखे जो हमारे से लगा हुआ चाइना का तरक्की हुआ, कई एशियन कंट्रीज तरक्की हुए और आज भी जिस सरकार से देश का सरकार चल रहा है कुछ ठीक ढंग से नहीं चल पा रहा है. इसको ठीक करने का प्रयास करने का हर इंडियन का फर्ज बनता है. उस पर भी हमारा चर्चा हुआ लेकिन सारे देश भर में जब नेता लोगों से चर्चा हो रहा है तो भी मिल करके उसी समय में हम लोग किसी जगह मिलेंगे. मिलने के बाद इस प्रकार का एजेंडा लिया जाए, इस प्रकार का काम शुरू किया जाए, इस देश को और अच्छे तरीके से एक नया उमंग से एक नया दिशा ले जाने का प्रयास किस प्रकार से किया जा सकता है सभी लोग मिलकर के हम तय करेंगे. उसके बाद में विस्तार में हम आपको बताएंगे. धन्यवाद. भारत को एक सही दिशा में ले जाने का एक कड़ी प्रयास होना चाहिए. उस प्रयास का प्रारंभ हुआ है, चर्चाएं हो रहे हैं. तो ये एंटी बीजेपी फ्रंट, एंटी कांग्रेस फ्रंट या इसके फ्रंट उसके फ्रंट नहीं. मैं यहाँ साफ करना चाहता हूँ, आपने अच्छी बात छेड़ा है. कोई कह रहा है थर्ड फ्रंट है, फोर्थ फ्रंट है, ये है, कोई फ्रंट अभी बना नहीं है. क्या बनेगा वो आगे चल के पता चलेगा. ये बात तो तय है, एक बात बिल्कुल तय है, आज़ादी के मिलके हमें 75 साल गुजर गए, संभावित विकास नहीं हो पाया.